गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, समर वेकेशन के बाद आप सबका स्वागत है और मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और आप लोगों ने समर वेकेशन में बहुत सारी मस्ती की होगी, साथ ही आपने होमवर्क भी कंप्लीट किया होगा। तो बच्चों, आज हम फिर से अपने क्लासेस रीओपन करते हैं और जहाँ पर हमने क्लास को छोड़ा था हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। और हाँ बच्चों, मैंने आपकी कॉपियाँ चेक की थी तो बहुत कम बच्चे ऐसे थे जिन्होंने अपनी कॉपियाँ जमा की थी, बहुत ही कम बच्चे ने कॉपी चेक कराई थी और उनमें भी कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने काम कंप्लीट भी नहीं किया था या काम कंप्लीट किया था तो पिक ड्रॉ नहीं किए थे। तो बच्चों, अपना काम ठीक से कंप्लीट करके और फिर कॉपियाँ आपको चेक करानी होंगी, ठीक है बच्चों? तो अब हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 5, आ जाइए पेज नंबर 26 पर। और आज का हमारा टॉपिक क्या है? जीवन के लिए आवश्यक तत्व, ये हमारा चैप्टर का नेम है और इसका टॉपिक हम पढ़ेंगे जल। हमने वायु और ऑक्सीजन के बारे में पिछली क्लास में पढ़ लिया था। तो बच्चों, जल तो आप सभी को पता होगा, बिना वाटर के, बिना पानी के हम तो रह ही नहीं सकते। तो वायु के साथ साथ जल हमारे जीवन की सबसे आवश्यक वस्तु है। सभी जीवित प्राणियों, जंतुओं और पौधों में अत्यधिक मात्रा में जल होता है, यानी हमारा जो बॉडी है, हमारा शरीर है, वो पूरा जल से ही बना होता है। पौधे, जंतु जल के बिना जीवित नहीं रह सकते, चाहे वो पौधे हो या फिर जीव जंतु हो, वो भी बिना पानी के नहीं रह सकते। हमारे शरीर का 3/4 भाग जल से ही बना होता है, यानी टोटल का कितना 1/3 पोर्शन जो होता है वो हमारा क्या होता है, 3/4 पोर्शन हमारा वाटर होता है। हमारे रक्त में यानी खून में 90% तक क्या होता है, पानी होता है, जल होता है। हमारी मांसपेशियों में 80% या फिर 70% से भी अधिक जल होता है। शरीर की कोशिकाओं के लिए आवश्यक जल की पूर्ति के लिए हम पर्याप्त मात्रा में जल पीते हैं तथा ऐसा भोजन खाते हैं जिसमें अधिक मात्रा में जल हो। जल से ही बादल बनते हैं, वर्षा होती है, मौसम बदलते हैं। जल बीजों के अंकुरण और पौधों के बढ़ने के लिए आवश्यक होता है, यानी जरूरी होता है। पौधों के भोजन बनाने की क्रिया में जल एक आवश्यक पदार्थ है, यानी अगर पौधे भी अपना खाना बना रहे हैं तो उन्हें भी पानी चाहिए होता है और हम लोग भी अपना खाना बनाने के लिए पानी की ज़रूरत होती है ना। तो जंतुओं को भोजन पचाने के लिए भी जल चाहिए और उन्हें ठंडा रखने के लिए भी क्या चाहिए, जल चाहिए। तो जल हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिया करो, इससे कम बीमार पड़ते हैं। ओके, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन भी एक गैस होती है और नाइट्रोजन हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो नाइट्रोजन पौधों को बढ़ाने के लिए उपयोगी है। जीवाणु अथवा बिजली कड़कने और वर्षा के द्वारा वायु की नाइट्रोजन मिट्टी में चली जाती है। यूरिया जैसे नाइट्रोजन युक्त कुछ पदार्थ खाद के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो बच्चों, ये थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा कि ऐसा कैसे होता है। तो बच्चों, जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं उनको उगाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, फर्टिलाइज़र यानी यूरिया चाहिए होती है। अब जो यूरिया होती है वो किससे बनती है, तो वो नाइट्रोजन से ही बनती है। जब और ये नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में कितना है, हम ऑक्सीजन से भी ज़्यादा, 78% तक क्या है, नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन जब हमारे एटमॉस्फेयर में है तब जब बारिश होती है तो उसके साथ में ये घुल जाती है और फिर ये आके क्या बनाती है, नाइट्रिक ऑक्साइड। एक एसिड होता है, एक एसिड के जो एसिड होता है वो बारिश के साथ में ज़मीन पे गिरता है और मिट्टी में घुल जाता है। तो इससे हमारी क्या बन जाती है, मिट्टी फर्टाइल बन जाती है, उपजाऊ बन जाती है और इससे हमारे पेड़ पौधे बहुत अच्छे से उगने लगते हैं। इसीलिए बारिश के मौसम में पौधे जल्दी उगते हैं ना, सारे सब तरफ क्या होती है, हरियाली हरियाली हो जाती है, जैसे कि अभी बारिश का मौसम स्टार्ट हो चुका है। नाइट्रोजन शरीर निर्माण के लिए भोजन प्रोटीन का आवश्यक अंग है। जंतुओं को प्रोटीन चाहिए और वे इसे पौधों से प्राप्त करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हम अपने सांस के साथ में छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, LPG, रसोई गैस आदि के कार्बन के जलने से उत्पन्न
होती है। श्वास क्रिया में भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड और मिट्टी से जल लेकर कार्बोहाइड्रेट जो कि ग्लूकोज बनाता है बनाते उससे अपना भोजन बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट पौधे और जंतु दोनों के काम में भोजन के काम में आता है। ऊष्मा यानी हीट यानी कि जो गर्मी निकलती है वो सभी प्राणियों को जीवित रहने के लिए ऊष्मा की भी आवश्यकता होती है। हमारे सभी क्रियाकलाप यानी कोई भी एक्टिविटीज़ होती हैं सब ऊष्मा की एक उचित मात्रा पर निर्भर करते हैं। बीजों के अंकुरण और अंडे सेने के लिए उष्णता की आवश्यकता होती है। अधिक ऊष्मा या ठंड जंतु और पौधों को नष्ट कर देती हैं। उन्हें ऊष्मा की केवल उचित मात्रा ही चाहिए यानी ना तो हम ज़्यादा गर्मी में रह सकते हैं और ना ही ज़्यादा हमें सर्दी की ज़रूरत होती है क्योंकि ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा सर्दी से ही हम परेशान हो जाते हैं। गर्म मरुस्थलों और ठंडी बर्फीली जलवायु में बहुत कम पौधे या फिर जीव जंतु जीवित रह पाते हैं। भोजन शरीर में धीरे धीरे जलकर ऊष्मा देता है यानी एनर्जी देता है। जब हमारा भोजन है जब वो डाइजेस्ट होता है तो उससे भी एनर्जी निकलती है। सूर्य पृथ्वी पर ऊष्मा का एक मुख्य स्रोत है यानी सबसे ज़्यादा ऊष्मा हमें किससे मिलती है सूर्य से ही मिलती है। जब बहुत अधिक गर्मी पड़ती है तो हमारा शरीर अनावश्यक ऊष्मा को पसीने द्वारा बाहर निकाल देता है। वायु और जल दोनों मिलकर पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए केवल आवश्यक मात्रा में ऊष्मा बनाए रखते हैं। अपने बच्चों को दूध पिलाने वाले जंतु जो स्तनधारी होते हैं और पक्षियों का शरीर तापक्रम स्थिर रहता है चाहे वातावरण कितना भी ठंडा हो या गर्म हो। ये उष्ण रक्त वाले जंतु होते हैं इसीलिए पक्षियों को इतनी गर्मी नहीं लगती है क्योंकि उनका जो ब्लड होता है वो खुद ही बहुत ज़्यादा गर्म होता है इसलिए उन्हें गर्मी नहीं लगती है। मछली छिपकली सर्प के शरीर का तापक्रम वातावरण के तापक्रम पर निर्भर करता है। उनके शरीर का तापक्रम ठंड में कम और गर्मी में अधिक होता है इसीलिए इन्हें शीत रक्त वाले जंतु कहते हैं। तो ये जो रेंगने वाले होते हैं ना जंतु वो कैसे होते हैं ज़्यादातर शीत रक्त यानी ठंडे खून वाले होते हैं। तो बच्चों इतना आपको फिर से रीड करना है और अब आपको होमवर्क में क्या करना है आपको होमवर्क में करना है रिक्त स्थानों की पूर्ति। फर्स्ट है इसमें लिखना है नाइट्रोजन पौधों को बढ़ाने के लिए उपयोगी है। पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर ले जाते हैं। हमारे शरीर में 80% जल है। पृथ्वी वायु की एक मोटी परत से घिरी हुई है। हमारी मांसपेशियों में 70% से अधिक जल होता है। उसके बाद आपको होमवर्क में मिलान करना है। पत्तियों के छिद्रों द्वारा श्वसन क्रिया पौधों द्वारा शरीर में जल की मात्रा 70%, रक्त में जल की मात्रा 90% और मांसपेशियों में जल की मात्रा 80% लगभग। तो ये आपको मिलान करना है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।